सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है दो पार्ट है सबसे पहले दिया हुआ है विच टाइप ऑफ रिएजेंट इज ए गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन अराइल नाइट्रो कंपाउंड टू अमाइन सपोज बेंजीन के साथ एनो टू जुड़ा हुआ है दिस इज अराइल कंपाउंड ये हो जाता है नाइट्रो बेंजीन इसे हम किसमें कन्वर्ट करें अमाइन तो एनो टू को अमाइन तो ये हो जाएगा एनोलिन तो याद रखना तीन तरह के आप रिएजेंट यूज कर सकते हो सबसे पहले आपको पता है ये प्रोसेस जो है एनओ को एन में कन्वर्ट करना है इससे रिडक्शन तो हाइड्रोजन ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सेकेंड स्टेप रिएक्शन ले सकते हो एफ इन प्रेजेंस ऑफ एच और एस एन इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल तो इन तीनों रिएक्शन से नाइट्रो जो ग्रुप है वो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रो बेंजीन विल कन्वर्ट कू एन सेकेंड स्टेप की सेकेंड क्वेश्चन है

जो आयरन के स्क्रैप होते हैं दैट इज प्रेफर्ड ऐसा क्यों होता है रिडक्शन विद स्क्रैप एंड इज प्रेफर्ड जैसे ही आप क्या करते हो सपोज आपने रिएक्शन किया एफ एच सी एल के साथ रिएक्शन किया तो आपका जो वन ऑफ द प्रोडक्ट बनता है बाय प्रोडक्ट विच इज एफ टू आपका एफ सी एल टू बनता है, जो है अगर आपने उसको हाइड्रोलाइज किया इट विल गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज एच सी एल तो जो एफ सी एल टू था अगर आपने उसकी हाइड्रोलिस की तो आपको क्या मिल जाएगा एच सी एल और जो एच सी एल है ड्यूरिंग द रिएक्शन एचसीएल आप वापस यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एच सल इज नीडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन तो क्या हो रहा है एफई सी एच सी एल के साथ कंबाइन करके एफ सी एल टू बना रहा है FECL, TQ, की, तो फिर से आपका बन जाएगा एच सी एल तो आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा एच सी एल यूज करोगे और बार बार क्या हो सकता है एच सी एल वही जो इस रिएक्शन में वापस मिलेगा आप यूज कर सकते हो तो दैट्स वाई आयरन स्कैप विद एच सी एल इज प्रेफर्ड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट है पहला पार्ट दिया है नेम द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमें दो रिएक्शन दी हुई है सबसे पहली रिएक्शन आर सी एन हमें दिया हुआ ए ये कन्वर्ट हो रहा है आर सी एच टू एन एच टू याद रखना ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ये हमारा कौन सा ग्रुप है नाइट्राइल और साइनाइड ग्रुप है इसे हम अमाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन तो इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं कल के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आप यूज कर सकते हो सोडियम मरकरी ये होता है एमलगम ऑफ सोडियम विथ सी टू एच फाइव ओ एच याद रखना जब सोडियम इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है जो मेटल जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन रिलीज करता है तो वो रिडक्शन में हेल्प करता है एज ए रिजल्ट तीनों रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं सी एन को नाइट्राइल ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं सेकेंड रिएक्शन देखते हैं सी सिक्स एच फाइव एन ओ टू हाइड्रोजन सी सी सिक्स एच फाइव एन एच टू तो नाइट्रो ग्रुप अभी तो ऑलरेडी तो क्या कर देंगे रिडक्शन कर देंगे और नाइट्रो ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन हमें दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू सी एच सी एल थ्री एंड तो हमें दिया हुआ प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन को जब आप क्लोरोफॉर्म विच इज सी एच सी एल थ्री एंड एल्कोहलिक के साथ हीट करते हो तो याद रखना एक फाउल स्मेलिंग क्या होता है सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड तो यहाँ पे हमने लिया हुआ था इथेन अमाइन इथेन अमाइन जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है इथाइल आइसोसाइनाइड जो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है उससे क्या आती है फॉल स्मेल होती है और आप ये यूज कर सकते हो टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइंस साथ में निकलता है के सी एल प्लस एच टू ओ इसे हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन और कार्बन अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर के तीन पार्ट पार्टन सबसे पहले दिया हुआ है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग जो एनेलिन है डज नॉट डरग्रो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनेलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता ऐसा क्यों होता है एनलिन बीइंग ए लुइस बेस एनलिन बुईस बेस इसलिए होता है क्योंकि उसके पास क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट रिएक्ट विद द लुइस एसिड जो ए है याद रखना फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये कैटलिस यूज करते हैं हम बट क्या होता है ये जो AlCl3 एल सी एल थ्री याद रखना है इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ये सिर्फ तीन बॉन्ड बना सकते है, इसके पास होते है, तो हैं इसके तो इलेक्ट्रॉन है रिएक्ट कर, कर लेता है एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए सॉल्ट एक सॉल्ट बना देता है तो इन दोनों की रिएक्शन से हमारा क्या बन जाता है सॉल्ट बन जाता है एज ए रिजल्ट अगर कैटलिस्ट रिएक्शन में रिएक्ट होने लग गया तो जो रिएक्शन है इट क्राफ्ट रिएक्शन नेक्स्ट हम बात करें थर्ड का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है गिव रीजन सी एस टी ट्राइज एन एच ये हमें क्या दिया हुआ है सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है इज मोर बेसिक देर्सरी विच इज सी एस टी ट्राइज एन एच इन एक्वस सोल्यूशन ठीक है तो सबसे पहले याद रखना एक्वस सोल्यूशन में जो बेसिक नेचर है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है एक प्लस एक हाइड्रोजन मैंडिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक का मतलब क्या क्योंकि यहां नाइट्रोजन पे क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले तो कोई भी स्पीसी जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले तो उसे हम बोलते हैं बेसिक ठीक है तो ये क्या हो जाएगा बेसिक होगा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके अब हमारे पास है सेकेंडरी माइन एंड सबसे पहले याद रखना हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट का अगर इन्होंने सपोज हमारे पास ये टर्स माइन है, है इन्होंने क्या किया हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी एस थ्री एंड एच एच एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एच प्लस सिमिलली सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री एच हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सबसे पहले हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये जो सी एस थ्री है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे इसको स्टेबलाइज कर देंगे एज रिजल्ट क्या हो जाएगा ये जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी सो प्लस आई इफेक्ट की वजह से याद रखना टर्शरी ज्यादा स्टेबल stable... ज्यादा बेसिक करेक्टर होता है फिर सेकेंडरी और प्राइमरी का जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा तो टर्सरी में तीन होंगे और यहां पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमाइंड में दो सी एस सी ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्वासोल्यूशन में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं बट सेकेंडरी अमाइंड में क्या दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है और स्टेरिक याद रखना, जैसे जैसे अगर आपके CS3, अगर आपके पास आपने C2H5 लिया है, जैसे आप बढ़ाओगे, वैसे-वैसे में डिफिकल्टी होती है होती है, ठीक तो अगर हमने ओवरऑल देख लिया तो क्या हो रहा है जो टर्चरी है उसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है सेकेंडरी जो है, उसका प्लस इफेक्ट भी है थोड़ा सा और उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दोनों को अगर आप कंबाइन इफेक्ट देखोगे तो कंबाइंड इफेक्ट शोज दट दी एस टी ट्वाइस एन एच जो सेकेंडरी अमाइन है इट इज मोर बेसिक देन द टर्शरी एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज मोर इन केस ऑफ सी एस टी ट्वाइस एन एच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बड़ा फैक्टर बन जाता है देन इन थ्राइस ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई इफेक्ट तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है सेकेंडरी में ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू टर्शरी तो सेकेंडरी क्या हो जाता है इज मोर बेसिक नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट प्राइमरी अमाइन हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शरी प्राइमरी अमाइन होता है जैसे हमारे पास है आर एन एस टू टर्शरी होता है, अब जो है उसका साइज छोटा है और टर्शरी अमाइन का साइज बड़ा है तो नॉर्मली जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे बॉलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बट यहां पर क्या हो रहा है प्राइमरी अमाइन का हायर बॉलिंग पॉइंट है ऐसा क्यों है क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन है वो खुद के साथ क्या कर सकता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो यहाँ पे है सपोज हमारा है आर एन एच टू तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है दूसरे अमाइन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से याद रखना इसमें एसोसिएशन क्या हो जाती है स्ट्रॉन्गर हो जाती है और टर्श्री अमाइन जो टर्शरी अमाइन है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है सो इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड सो दस द नेट अट्रैक्शन फोर्स इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन इज मोर देन दैट ऑफ मोरशरी तो अगर आपको किसी को बॉइल करना सबसे पहले आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा फिर आप उसको क्या कर सकते हो उसको बॉयल कर सकते हो सो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा जो प्राइमरी अमाइन है इट विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग हम इसके दो पार्ट दिए हैं ए पार्ट देखेंगे नाइट्राइल टू अमाइनो पेंटेन हेक्सेन नाइट्रियल में अगर आप देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सिक्स हैं और अमाइनो पेंटेन में नंबर ऑफ कार्बन फाइव है कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो हमेशा याद रखना ये हम यूज़ करते हैं इसमें हॉफमैन मैन ब्रोमेड अमाइड रिएक्शन हॉफमैन मैन ब्रोमेड अमाइड रिएक्शन जो है उसमें क्या हो सकता है एक कार्बन हम डिक्रीज कर सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए अमाइड अमाइड होता है सी ओ एन एच टू तो कोई भी अगर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको अमाइड बनाना है सबसे पहले ठीक है हमें दिया हुआ है नाइट्राइल की अगर आप पार्शियल करते हो तो आपको मिलता है अमाइड अगर आपने फुल कर दिया तो वो क्या बना देता है वो एसिड बना देता है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें एक्जेन अमाइड मिल जाएगा और हेगेन अमाइड में क्या कर सकते हैं हॉफमैन मैन ब्रोमेन अमाइड रिएक्शन कर सकते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच एज रिजल्ट क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन कंपाउंड मिल जाएगा वन अमाइनो पेंटेन ठीक है सो सेकेंड पार्ट की बात करेंगे हमें दिया हुआ इथेनोइक एसिड टू मिथेन अमाइन इसमें भी यही हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं इथेनोइक एसिड में दो कार्बन है और मिथेन अमाइन में एक कार्बन है तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे हॉफमैन मैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो हमें दिया हुआ है एसिड इथेनॉइक एसिड को आप जब एनएस थ्री के साथ हीट करते हो याद रखना पहले एनएस थ्री के साथ रिएक्ट किया फिर हीट किया तो वाटर रिलीज हो जाता है और इसमें भी हमारा क्या बन जाता है इथेन अमाइड बन जाता है आप क्या करोगे हॉफमैन मैन ब्रोमेट अमाइड रिएक्शन करोगे बी आर टू के ओ एच एज ए रिजल्ट आपका बन जाएगा सी एच थ्री एन एच टू विच इज मिथेन अमाइड तो दे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासीफाइड इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेकंड हमें तीन कंपाउंड्स दिए हुए हैं सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया हुआ है C6H5 हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एन एच सी एच थ्री इसमें क्या एन के साथ एक एलकाइल और एक अराइल ग्रुप अटैच है तो दो आर ग्रुप अटैच है इसके साथ तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन और नेमिंग कैसे देते हैं अगर एन के साथ जो छोटे वाला ग्रुप है उसका पहले हम नाम लिखते हैं बाय राइटिंग एन इसे लिखेंगे एन मिथाइल ये स्मॉल ग्रुप था और ये जो होता है बेंजीन के साथ एन एच जो ये ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एस और तो इसे लिखेंगे टू मिथाइल एन सेकंड की बात करेंगे सेकंड में क्या हमें दिया हुआ है सी एच थ्री एन एच इसके साथ एच है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सी एच और इस सी एच के साथ सी एच थ्री सी एच थ्री ग्रुप अटैच है अगेन अगर आप देखो, इस नाइट्रोजन के साथ एक तरफ एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ दो कार्बन तो ये भी क्या है सेकेंडरी अमाइन है जो छोटे वाला ग्रुप होता है उसको हम पहले लिखते हैं तो हो जाएगा एन मिथाइल अब ये जो ग्रुप है इसके हम नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री ये हो जाएगा प्रोप एन सिंगल बॉन्ड है सेकेंड पोजिशन पे क्या है नाइट्रोजन है तो लिखेंगे टू अमाइन थर्ड की बात करेंगे थर्ड में क्या लिखा हुआ है सी एच थ्री सी एन एच टू तो इस कार्बन के साथ तीन सी थ्री ग्रुप अटैच है और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है अगर आप देखोगे एन एच टू के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी अमाइन में आ जाता है इसकी हम नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री तो सेकेंड पोजिशन पर आ जाएगा हम मिथाइल प्रोपेन तीन कार्बन है प्रोपेन टू अमाइन तो ये था क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एरोमेटिक्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ मोरबलिकमाइंस डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज देर आर रेजोनेंस स्टेबिलाईज इसमें क्या हो जाती है रेजोनेंस हो जाती है एरोमेटिक अमाइंस के डाइजोनियम सॉल्ट में विद नो सच स्टेबिलाईजेशन इज पॉसिबल इन द कॉरस्पॉन्डिंग डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन

बट जो एलिफेटिक अमाइन का जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है इसको अगर आप वाटर में डालोगे काफी ज्यादा अनस्टेबल है इसमें कोई रेसोडेंस है नहीं वाटर में डालोगे ये इजिली डिसोसिएट हो जाएगा इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड नाइट्रोजन इज रिलीज सिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो दिया हमें गैब्रियल इज प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी थे जो गैब्रियलोमाइट सिंथेसिस है उसी से हम क्या बनाते हैं मोस्टली प्राइमरी अमाइन क्यों बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ज विदाउट एनी ट्रेसिस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। इसमें क्या होता है सिर्फ प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस होता है बाकी प्रोसेस में क्या हो सकता है प्राइमरी के साथ सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन भी प्रोड्यूस हो सकता है बट गैब्रियल सिंथेसिस में सिर्फ प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी ट्रेसिस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी माइन सो दैट्स माई दिस मैथड इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन अरेंज द फॉलोइंग इन हमें तीन पार्ट दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज हमें दिया प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी टर्सरी और अमोनिया दिया हुआ है याद रखना गैसियस फेज में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है हाई क्योंकि इसमें क्या इज नो है सोलूशन तो हाइड्रोजन बॉडिंग नहीं होता है अब याद रखना जो नाइट्रोजन है उस उसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उतना ज्यादा वो क्या कर सकता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ होता है ठीक है अब याद रखना जो टर्सरी अमाइन है इसमें क्या होता है सी टू एच फाइव थ्री ग्रुप्स होते हैं तो तीन तरफ से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है सो इट इज ए स्ट्रॉगर बेस ठीक है इन गैसियस फेस फिर आता है सेकेंडरी इसमें दो तरफ से क्या होता है सी एच ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पे क्या करता है प्राइमरी में एक तरफ से इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड सो ये हो जाता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर अमोनिया देखेंगे इसके साथ कोई आर ग्रुप अटैच नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी अमोनिया में सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट का सेवन का सेकेंड पार्ट है इन in इंक

क्योंकि एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इन द अमाइन सो एज ए रिजल्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉग होता है सो एज ए रिजल्ट क्या होता है एल्कोहल इस का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज हायर देन द प्राइमरी अमाइन तो ये अरेंजमेंट है क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर सेवन का थर्ड पार्ट है इन आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर याद रखना जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मोलिकुलर मास में अगर हम तीनों कंपाउंड देखेंगे कि हमारा एनाली है ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है ये हम प्राइमरी अमाइन अब ये जो एनलीन है याद रखना इसका क्या होता है मोलिकुलर मास इज वेरी बिग एज अ रिजल्ट ये क्या होता है सबसे कम क्या होता है सोलूबल होता है सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से प्राइमरी अमाइन इज मोर सोलबल तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन का थर्ड पार्ट का नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर रिएक्शन हमें दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच टू बी आर ब्रोमो इथेन दिया हुआ है के सी एन के साथ रिएक्ट किया ए मिला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बी एच एन ओ टू और जीरो डिग्री सेल्सियस में सी मिलेगा सबसे पहले हमें दिया हुआ है ब्रोमो इथेन के सी एन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमने हेलो एल्केलोरिन में पड़ा हुआ है जो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेस कर देता है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और हमारा बन जाता है सी एच सी सी एच टू सी एन इज इथे नाइट्रेन अब हमने यूज किया लिथियम एल्यूनियम हाइड्राइड जो एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा रिडक्शन कर देगा रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सी एच सी सी एच टू सी एच टू एन एच टू दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन अमाइन नेक्स्ट हमने लिया है एच एन टू एट जीरो प्रोपेन अमाइन है सबसे पहले ये क्या करेगा डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा एक बट वो अनस्टेबल होता है क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है जो एलिफेटिक एलिफेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो डाइजोरियम सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं एज रिजल्ट क्या होता है वाटर में डिसोसिएट होकर बना देगा हमारा एल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन नॉन नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें दिया सी एस थ्री सी ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एन एच थ्री अगर हम हीट करते हैं तो याद रखना वाटर रिलीज हो जाता है और वाटर रिलीज होने के बाद हमारा बन जाता है अमाइड तो इसमें क्या होगा हमारा बनेगा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू दिस इज कॉल्ड एज इथेन अमाइड तो ए हो जाएगा इथेन अमाइड अब हम इसे रेड करें एन ए ओ बी आर से अब ये एन ए ओ बी आर कहाँ से आयाद रखना ये आया है एन ए ओ एच और बी आर टू की रिएक्शन से दोनों को रेड करो तो बनता है एन ए ओ बी आर और ये दोनों यूज होते हैं हमारा ब्रोमेड हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और इससे क्या होता है जो सी ओ ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और एक कार्बन लेस हो जाता है हमारा बनता है सी एच थ्री एन एच टू सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया था एच था यहाँ पे हमें एन ए दिया हुआ है ये भी एच बनाता है और जब आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को रिएक्ट करते हुए एच के साथ तो आपका क्या बन जाता है एल्कोहल आपका बन जाएगा सी एच थ्री तो आपका मिथेनॉल बन जाएगा तो दिस इज क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा सी फाइव एच थर्टीन एन रिएक्ट विद एच एन ओ टू टू गिव एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल तो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है और इसने क्या दिया है एल्कोहल दिया है इज द कंपाउंड एंड गिव इट्स आयोपेक नेम तो आपको पता होना चाहिए कि एच एन ओ टू जब भी किस कौन से अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अमाइन के साथ HNO2 क्या देता है एल्कोहल देता है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है सो एच एन ओ टू रियक्ट विद सी फाइव एच थर्टीन एन टू गिव एल्कोहल मीन जो कंपाउंड है वो क्या है हमारा प्राइमरी अमाइन है ठीक है C5H13N का मतलब क्या लिख सकते हैं C5H11NH2 तो प्राइमरी अमाइन में क्या होता है NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ठीक है तो अगर हमारे पास प्राइमरी माइन है सी फाइव एच इलेवन एन टू एच एन ओ टू के साथ हमारा बन रहा है सी फाइव एच इलेवन ओ एच इसमें मैं क्या बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड होना चाहिए एल्कोहल दैट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव हमें कंपाउंड दिया हुआ ये वाला ठीक है तो इससे हम कैसे बता सकते हैं तो याद रखना पेंटेन टू ऑल जो होगा आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि कार्बन क्या होना चाहिए होना चाहिए चाहिए उसके साथ चार होने चाहिए है। तो इस के हमारा एक ही तरह का एल्कोहल बनता है पेंटेन टू वो क्या होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एंड दैट विल बी कंपाउंड नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ टू कन्वर्ट इथेन 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 अमाइन 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 टू टू मिथेन मिथेन एंड अमाइन अगर बात करेंगे ये होता होता है CH3, CH2, NH2, और होता है और मिथेन अमाइन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो डिक्रीज हो रहा है और अगर आपको अमाइड्स में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो याद रखना इसके बीच में हम रिएक्शन यूज करेंगे हॉफमैन ब्रोमेट अमाइड डिग्रेडेशन और इससे क्या कर सकते हैं अमाइड में से हम एक कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं तो हमें यह पता चल गया कि जो है हमारा अमाइड यूज होगा और इससे पहले वाले स्टेप में यूज होगा तभी हम क्या कर सकते हैं एक कार्बन कम कर सकते हैं तो मिथेन अमाइन किससे बन सकता है इथेन अमाइड से बन सकता है अगर हाफमैन हॉफ ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन करें ब्रोमीन को के के साथ रेड करें तो एक जो सीओ है ग्रुप वो मूव हो जाता है अब ये अमाइड कैसे बनता है याद रखना अमाइड बनता है एसिड से ठीक है अगर हमने इथेनॉइक एसिड लिया हुआ है अमोनिया के साथ अगर आप उसे हीट करोगे तो इथेन अमाइड बन जाता है और इथेनॉइक एसिड कैसे बनता है एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है सो तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से हमारा बन जाएगा इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल हम कैसे बना सकते हैं इथेन अमाइन से विद रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू ठीक है तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिया या तो आप रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हो या तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इथेन अमाइन टू तो मिथेन अमाइन आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन यूज होगा अमाइड बनेगा अमाइड बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप जो भी रिएक्शन करोगे आप ट्राई करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए तो आप डायरेक्टली एन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे पहले एच के साथ इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहां तक अगर आपने बना लिया तो दिस विल बिकम ईजी नेक्स्ट मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन अब याद रखना मिथेन अमाइन टू इथेन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे, है? हो रहे हैं इंक्रीज हो रही है तो याद रखना इसमें जो हमारा स्टेप यूज होगा दैट विल बी एडिशन ऑफ सी एन है वो एज ए फंक्शनल ग्रुप भी काम करता है और वो चेन का भी पार्ट होता है एज ए रिजल्ट क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो सकते हैं और केसीएन आप एड कर सकते हो एलकाइल हेलाइट पे तो आप जो भी स्टेप करोगे मिथेन अमाइन टू इथेन अमाइन बीच में आप एक एल्काइल हेलाइट बनाओगे एलकाइल हेलाइट में आप केसीएन ऐड करोगे ठीक है तो आपके पास मिथेन अमाइन है आप क्या करोगे आप डायरेक्टली इसको अल्काइल हेलाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप पहले इसे अल्कोहल में करोगे एच एन ओ टू के साथ एल्कोहल में और हमें पता है कि एल्कोहल को अल्काइल हेलाइट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री एसोसीएल टू के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन होगा तो ओ OH एच की जगह सी एल आ जाएगा क्लोरोमिथेन विल बी फॉर्म और क्लोरोमिथेन को अब हम क्या कर सकते हैं के के साथ रिएक्ट कर सकते हैं के के साथ अगर आपने रिएक्ट कर लिया एल्कोहलिक तो मरेगा सी एस थ्री सी एन विच इज इथेन नाइट्राइड अब ये जो इथेन नाइट्राइल बना है ये हमें बनाना था नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया इंक्रीज हो गया अब आप क्या कर सकते हो इसकी रिडक्शन कर सकते हो रिडक्शन के डिफरेंट सोडियम सोडियम इन ऑफ इसके साथ रेड करेगा एल्कोल के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा इसकी रिडक्शन हो जाएगी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथेन अमाइन तो आप ऐसे मिथेन अमाइन टू इथेन को भी कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर की वाई इज एन एस टू ग्रुप ऑफ एनलिन बिफोर नाइट्रेशन जब बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है ये जो एन ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में इंक्रीज कर देता है और ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और अगर आप नॉर्मल नाइट्रेशन करोगे जो NO2 है वो तीन पोजीशन पे अटैच हो जाएगा दो औरतों और एक पैरा पोजीशन पे हम चाहते हैं कि सिर्फ NO2 एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम इसको रिएक्ट करते हैं सबसे पहले इन ऑर्डर टू गेट मोनो डेरिवेटिव मोनो डेरिवेटिव मतलब कि NO2 हम चाहते हैं सिर्फ एक पैरा पोजिशन पे अटैच हो द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एन एस टू ग्रुप वॉज कंट्रोल जो इसका जो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट है मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय एसिटाइलेशन हम क्या यूज कर सकते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्रेट ले, सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड इसमें क्या होता है याद रखना साथ में हम पायरिडीन लेते हैं जो असाइल ग्रुप है सी एस थ्री सी ओ ग्रुप वो क्या करता है नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और हमारा कंपाउंड बनता है एसिटेनलीट ठीक है आपका बनता है एसिटेनलीट अब

एज ए रिजल्ट क्या होता है जो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है उसके बाद अगर आप इसकी नाइट्रेशन करोगे तो एनओ टू जो है इट विल गेट अटैच एट द पैरा पोजिशन और उसके बाद अब आप हाइड्रोलिस करोगे तो यहां पे याद रखना एन एस टू ग्रुप आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है एनओ टू ग्रुप तो यहीं पर यही लिखा हुआ है कि अगर आपने कंट्रोल एसिटाइलेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायोडीन पायरिडीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि साथ में क्या निकलता है एसिड निकलता है तो एसिड के साथ पैरिटीन जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है सो so, इससे हमारा बनता है एसिड एनलिट विच कैन बी फर्दर नाइट्रेटेड बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग सी एच थ्री एन एच टू इज मोर बेसिक देन सी सिक्स एच फाइव एन एच टू यह मिथेन एनलिन मिथेनमाइन ज्यादा बेसिक क्यों होता है देन द एनोलिन तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिक करेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो स्पीशीज कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए जो जितना इजी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए और उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा बेसिक होता है अगर हम बात करें मिथेनमाइन की मिथेनमाइन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन पे रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड बट एनोलिन में क्या होता है अगर आप एनिलिन में देखोगे एनलिन में क्या होता है रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग के अंदर क्या होते हैं मूव कर जाते हैं और इनसाइड द रिंग वो रेजोनेंस शो करते हैं और यहाँ पे आ जाता पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पौस्टिव चार्ज आने वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है एज ए रिजल्ट मिथेन अमाइन क्या होता है मोर बेसिक देन द बेसिडीन यही लिखा हुआ है इन एनलिन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग कॉन्जुकेशन में इन्वॉल्व होता है एंड इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन तो जो प्रोटोन है उसके लिए अवेलेबिलिटी कम है बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाता है इन द रिंग ड्यू टू रेजिनेस देन दैट ऑफ मिथेल अमाइन सो दैट्स वाई मिथाइल अमाइन और मिथेन अमाइन इज मोर बेसिंग देन द एनलीन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट है ऑल दो एनेस टू इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एन एस टू ग्रुप होता है याद रखना वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज करता है एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाता है सो दैट्स इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और नाइट्रेशन जब आप इसकी नाइट्रेशन करते हो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनोलिन मिलता है ऐसा क्यों होता है नॉर्मली क्या होता है जो एन एस टू है इसमें क्या होना चाहिए जो एनओ टू प्लस है जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अटैच होना चाहिए ठीक है तो अगर आप देखोगे नाइट्रेशन से तो पैरा बना हमारा फिफ्टी वन परसेंट बट ऑर्थो बनता है हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनोलिन बनता है टू परसेंट बट मेटा भी बन जाता है मेटा जो बनता है मेटा नाइट्रो एनोलिन फोर्टी सेवन परसेंट ऐसा क्यों होता है कि मेटा बन रहा है तो याद रखना नाइट्रेशन से क्या होता है जो एक एच प्लस है क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है एसिडिक है ये तो हाइड्रोजन क्या होता है एनएच टू जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से एन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज ये बनता है एनएच थ्री पॉजिटिव विद पेंसी इसे बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन एनिलियम आयन जो होती है वो क्या शो करता है माइनस आर इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एज ए रिजल्ट क्या होता है और तो पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है मेटा पोजिशन में एज ए रिजल्ट क्या होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन जो एनोटू ग्रुप है वो मेटा पोजिशन पे भी अटैच हो जाता है सो ड्यूरिंग नाइट्रेशन एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन एनिलीनियम बनता है एनेल so, का, का और एनिलीनियम आयन का बना होता है जो एनएच टू ग्रुप है और एनिलीन जो है इन वो है ऑर्थोपैराडिंगियम इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ठीक है सो एज ए रिजल्ट हमारा िन बनता है अगर आप देखोगे ऑर्थोनाइट्रो एनोलिन जो है वो कम बना क्योंकि यहां पे क्या होती है स्टेरिक हिंड्रे, स्टेरिक टेरिकिंड्रेस की वजह से पैरा ज्यादा स्टेबल है और पैरा ज्यादा कंसंट्रेशन में बनता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसका पार्ट ए है गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेन अमाइन एंड एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया एन मिथाइल इथेन अमाइन अगर आप देखोगे इसके नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाता है सेकेंडरी अमाइन और अगर हम देखेंगे एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन का स्ट्रक्चर तो इसमें क्या है नाइट्रोजन के साथ थ्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन अब याद रखना सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो अगर सपोज आपके पास है एन मिथाइल इथेन अमाइन ठीक है यह हमारा है एन इथाइल इथेन माइन तो ये हिंसबर्ग रिएजन के साथ और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ क्या होता है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या होता है एचसीएल रिलीज हो जाता है और ये नाइट्रोजन और ये जो सल्फर है वो क्या होता है आपस में बॉन्ड बना लेता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन इथाइल एन मिथाइल सल्फोन अमाइड ठीक है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन है उसके साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हिंसबर्ग रिएजन टर्शरी अमाइन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है सेकेंडरी के साथ हिंसबर्ग रिएजन क्या कर सकता है रिएक्शन शो करता है और अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हिंसबर्ग बर्ग रिएजन के साथ रिएक्ट करते हैं बट जो प्राइमरी का जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कली में सॉल्युबल होता है सो so इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को का सेकंड पार्ट की बात करेंगे राइट द रिएक्शन फॉर कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन आपको रिडक्शन करना है केटलिटिक नाइट्रोबेंजीन का फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट सो फॉर्म विथ प्रोमिन वाटर तो अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है आपको क्या बोला हुआ है इन्होंने नाइट्रोबेंजीन अगर आपने केटेलिटिक रिडक्शन मतलब कैटेस की प्रेजेंस में निकल की प्रेजेंस में आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो याद रखना रिडक्शन हो जाएगा तो हमारा बन जाता है एनेडीन और उसके बाद आपने ऐड किया ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन वाटर से क्या होता है जो है याद रखना ये काफी ज्यादा क्या होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप है सो so, जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा इट विल गेट अटैच एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन और आपको कंपाउंड मिलेगा टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनोलिन तो ये था थान का सेकेंड पार्ट थर्टीन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आउट ऑफ ब्यूटेन वन ऑल एंड ब्यूटेन अमाइन विच विल बी मोर सोल इन वॉटर एंड वाई अब ये एक अल्कोहल है और एक अमाइन है सो ब्यूटेन ऑल इज मोर सॉल्वर इन वाटर जो एल्कोहल होता है याद रखना वो स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू अमाइन सो इट फॉर्म्स स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एज कंपेयर टू अमाइन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ तो याद रखना में क्या होता है ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, है. क्या होता है? उसमें आता है और उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू द अमाइन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है इसके तीन पार्ट दिए हुए हैं सबसे पहला पार्ट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू जो पीकेबी वैल्यू है याद रखना वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के भी पूछा है और इट मीनस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अब बेसिक स्ट्रेंथ याद रखना डिपेंड करता है कि कितना ईजिली जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ठीक है जो जितना ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और जिसकी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और डेंसिटी ज्यादा है दैट विल बी स्ट्रांगर बेस हमें ये सारे कंपाउंड दिए हैं सबसे जो अगर हम बात करें वीकेस्ट बेस्ड और सबसे ज्यादा जिसकी पी वैल्यू है वो है हमारा एनिलीन एनिलिन में क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं ये रिंग के अंदर मूव करते हैं एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाता है डिफिकल्ट होता है उससे ज्यादा बेसिक है हमारा एन एच सी एच थ्री इसमें क्या हो रहा है जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अंदर रिंग की तरफ भेज रहा है बट यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है दोनों में क्या हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें सी टू एच फाइव एन एच टू में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे प्रेजेंट है ये लोकलाइज्ड है और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये इन दोनों से ज्यादा क्या हो जाएगा बेसिक और अगर हम लास्ट कंपाउंड की देखेंगे सी टू एच फाइव टू एस एन एच इसमें सी टू एच फाइव दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमें दिया हुआ है सी सिक्स एच फाइव एन एच टू सी सिक्स एच फाइव एन एच सी एच थ्री सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एन एच टू सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ होगा हमारा एनेलिन का इसमें क्या होगा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी ये बेंजीन के तरफ इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी सिक्स एन एच सी एच थ्री तो एन के साथ सी एच थ्री है हमें पता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है बट सी एच थ्री इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इससे ज्यादा क्या हो जाएगा बेसिक और लास्ट कंपाउंड दिया हुआ है इसमें दिया सी सिक्स एच फाइव सी एच एन एच टू इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली एन ग्रुप नहीं अटैच है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर नहीं मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट थ्री इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमें दिया एनलिन पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड एन पैराटोलिडीन सबसे कम बेसिक होगा हमारा पैरा नाइट्रो एनलिन ऐसा क्यों होगा क्योंकि एनओ टू ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज रिजल्ट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो एन एनओ टू की तरह शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है और कम हो जाती है तो ये सबसे कम क्या होंगे बेसिक होंगे उससे ज्यादा होगा हमारा एनेलिन और लास्ट में देखेंगे पैरा पैरा पैराटोलिडीन क्या होता है कि एनएस टू अटैच है और पैरा पोजिशन पे सी एस थ्री ग्रुप अटैच है सी एच थ्री क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन में क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा एज रिजल्ट क्या होता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ द

ठीक है तो आप के सी के साथ रिएक्शन रिएक्शन करोगे तो ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और सब्सिट्यूट कर देगा सी आपका बन जाएगा सी एच टू सी एन और अगर आप इस कंपाउंड की क्या करोगे रिडक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट तो यहां पे क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा सी एच टू एन एच टू तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा टू फिनाइल इथेन अमाइन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनलिन क्लोरोबेंजीन है ये हमारे पास हमें इसको कन्वर्ट करना है में इसका मतलब पैरा पे हमें ग्रुप अटैच करना है आप डायरेक्टली ग्रुप अटैच नहीं कर सकते हो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है जो है जो क्लोरीन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और पैरा पोजिशन क्या होती है ज्यादा स्टेबल होती है और अगर आप नाइट्रेशन करोगे इस कंपाउंड की तो नाइट्रेशन से क्या होगा जो आपका पैरा प्रोडक्ट है ऑर्थो तो भी बनेगा बट पैरा क्या होता है मेजर क्वांटिटी में बनता है तो आपका बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोन ठीक है पैरा पोजिशन पे अटैच हो गया अब आप क्या कर सकते हो ये हमने अभी पढ़ा है कि एन टू ग्रुप की आप क्या कर सकते हो रिडक्शन कर सकते हो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो हमने लिया यहाँ पे एस एन एच सी एल अगर हम रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है यहाँ पे अटैच हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन एच टू ग्रुप नाइट्रो ग्रुप अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और आपका कंपाउंड बन जाता है पैरा क्लोरो एनोलिन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन नंबर 16 है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड इन फॉलोइंग पेयर हमें डिस्टिंग्विश करना कंपाउंड्स को तीन तीन हमें पेयर दिए हुए हैं सबसे पहले मिथाइल अमाइन एंड डाय मिथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन बीग ए प्राइमरी अमाइन विल गिव कार्बल अमाइन टेस्ट जो प्राइमरी अमाइंस होती हैं चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो वो देते हैं कार्बल अमाइन टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद के एंड सी एच सी एल थ्री विच इज क्लोरोफॉम तो अगर हमने प्राइमरी अमाइन लिया हुआ जो हमारे दिया हुआ मिथाइल तो अमाइन सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉम और एल्कोहलिक के ओ एच के, के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है हमारा सी एच थ्री एन सी ये वो बनाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड इसे कार्बन अमाइन भी कहते हैं और इसकी फाउल स्मेल क्या होती है प्रोड्यूस होती है साथ में के सी एल एच टू भी प्रोड्यूस होता है ठीक है तो फॉल्स स्मेल की वजह वा, से आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो और अगर हमें दिया हुआ है डाई मिथाइल अमाइन डाइमिथाइल अमाइन क्या है सेकेंडरी अमाइन है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन शो नहीं करते सिक्सटीन का जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हमें डिस्टिंग्विश करना है एनलिन और बेंजाइल अमाइन इसे हमें टेस्ट देना है तो सबसे पहले याद रखना एनिलीन में क्या होता है बेंजीन के साथ डायरेक्टली एनएस टू ग्रुप अटैच होता है एज रिजल्ट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के अंदर आ जाते हैं क्योंकि दिस इज ए एक गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप सो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो ब्रोमीन है वो इजिली ब्रोमीन वाटर इजली एनोलिन के साथ रिएक्ट हो सकता है और वो आ जाएगा टू फोर सिक्स पोजिशन पे रिजल्ट इन फॉर्मेशन और टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनोलिन और ये देता है वाइट प्रेसिपिटेट वेरअस अगर हम बेंजाइल अमाइन की बात करेंगे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज नहीं वो लोकलाइज है वो बेंजीन रिंग में मूव नहीं करें रहे हैं एज ए रिजल्ट क्या होता है ब्रोमीन वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे इन एनलिन सो बाय एडिंग ब्रोमीन वाटर एनलिन फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट वेयर एज बेंजाइल अमाइन विल नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्सटीन का थर्ड पार्ट हमें डिफ्रेंशिएट करना है इथाइल अमाइन और एनलिन में जो इथाइल अमाइन है वो है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन एनलिन है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन तो जो हम टेस्ट करेंगे वो डिफ्रेंशिएट करेगा प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन हम क्या यूज कर सकते हैं नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड बनता है बाय रिएक्शन ऑफ एनी एन ओ टू प्लस एच एल और टेम्परेचर होगा जीरो डिग्री सेल्सियस तो याद रखना दोनों में क्या होता हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है इसमें बन जाएगा इथाइल का डाइजोनियम सॉल्ट और यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है ये जो नाइट्रोजन होते हैं वो क्या कर सकते हैं रेजोनेंस कर सकते हैं एज ए रिजल्ट बेन्जीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है स्टेबल होता है बट ये जो इथाइल डाइजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल होता है अगर आप एक्वर्सल्यूशन में डालोगे तो याद रखना ये क्या होता है ये डिसोसिएट होता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है ठीक है तो इथाइल अमाइन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और एनलिन में नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है तो इसी से हम बता सकते हैं की वेदर द कंपाउंड इज एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइज नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है एक्सप्रेल गैब्रियलिस एंड वाई कैन एरोमेटिकमाइज नॉट बी प्रिपेयर बाय्रियल थैलामाइट सिंथेसिस ठीक है सबसे पहले गैब्रियल सिंथेसिस में याद रखना हमारा हमेशा बनता है प्राइमरी अमाइन एल्कोहलिक जो के है वो क्या करेगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और साथ में वाटर रिलीज कर देगा तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो होगा पोटेशियम थैलीमाइड ये जो पोटेशियम थैलीमाइड है इसको हम रिएक्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ ये जो नाइट्रोजन इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करता है इसके कार्बन पे अटैक करता है ऑफ एलकाइल हेलाइट और साथ में एक और न्यूक्लियोफाइल जो एक्स है उसको क्या कर देता है रिमूव कर देता है तो ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन एस एन टू मैकेजम से रिएक्शन होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या बनना है क्योंकि ये एन के साथ आर अटैच हो गया तो हमारा बन जाता है एन एलकाइल थे

इसमें क्या था हमारा एराइल हेलाइट अगर आपने एल्काइल हेलाइट की जगह एराइल हेलाइट लिया तो हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है हेलो हेलो एल्केन्स एंड में जो सब्सिट्यूशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा क्यों होता है सबसे पहले एक बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उतना ज्यादा क्या होता है सब्सिट्यूशन डिफिकल्ट होता है वो भी एस एन टू वाली और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या है जो एक्स है हेलोजन है इस पर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं रिंग में बेचते हैं बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट की वजह से याद रखना इसमें आ जाता है पार्शल डबल बॉन्ड पार्शल डबल बॉन्ड की वजह से एक्स और कार्बन का बॉन्ड हाइलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना बिकम्स डिफिकल्ट सो एराइल एरालाइट डो नॉट अंडर गो हिंड्रेंस होती है एंड इज पार्शल बॉन्ड ऑफ सी एक्स

ब्रोमीन के साथ हमने एनओएच के साथ रेड किया हमें बी मिला हमने इसकी क्या किया हमने इसे बी को रेड किया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ हमें सी मिला और बी को हमने ब्रोमीन के साथ रेड किया एक्वा सोल्यूशन में हमें ई e मिला तो हमें फाइंड करना है ए बी सी डी एन ई सबसे पहले जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है सी सिक्स एच फाइव सी ओ एन एच टू ये होता है बेंजा अमाइड अमाइड जो होते हैं वो किसकी रिएक्शन से बनते हैं अमाइड को किसके साथ रिएक्ट करोगे एनएस के साथ अगर आप हीट करोगे तो अमाइड बनेगा तो याद रखना एसिड्स के साथ तो एसिड जब एन और आप हीट करते हो तो याद रखना वाटर रिलीज होता है और अमाइड बनता है तो इससे पहले वाला कंपाउंड क्या होगा इसमें क्या होगा एसिड होगा ये होगा हमारा बेंजोइक एसिड तो ए हमें मिल गया होगा बेंजोइक एसिड नेक्स्ट बेंजामाइड को हमने क्या किया रिडक्शन किया लिथियम एल्यमिनियम हाइड्राइड के साथ लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइट के साथ जब आप रिडक्शन करते हो तो जो सी ओ ग्रुप है याद रखना इसमें क्या हो जाता है हाइड्रोजन एड हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी एच टू एन एच टू दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अमाइन बेंजाइल अमाइन बन गया तो ये था हमारा डी नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजा अमाइट को आपने ब्रोमीन और एनय के साथ रिएक्ट किया याद रखना ये रिएक्शन हमारी हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है जो सीओ ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनलिन तो यहां पे एनोलिन बन जाएगा अब एनिलीन की आपने क्या किया एसिटाइलेशन आपने एनिलीन को रिएक्ट किया CH3CO ट्वाइस O के साथ दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड जो नाइट्रोजन है वो CO ग्रुप पे अटैक करता है एज अ रिजल्ट आपका कंपाउंड बनता है तो याद रखना ये जो नाइट्रोजन है CO पे अटैक करेगा एक तरफ आपका एक यहां से हाइड्रोजन यहां से CH3COO ग्रुप तो एसिड साथ में रिलीज हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन एच एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा सी ओ सी एच थ्री इस कंपाउंड को बोलते हैं क्योंकि ये अगर आप देखोगे जो फंक्शनल ग्रुप है आउटसाइड द चेन है तो हम बोलते हैं एन फिनाइल इथेन अमाइड दो कार्बन है तो इथेन अमाइड और इसका कॉमन नेम भी है इस कंपाउंड का एसिड एनलीट एसिड एनलीट भी कहते हैं ठीक है तो इससे हमें मिल गया सी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये हमें बी दिया हुआ है हमने बी फाइंड कर लिया इससे ई हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया याद रखना जो एनलिन है इट्स ए हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप इसको रिएक्ट करते हो तो ब्रोमीन जो है वो सब्सिट्यूशन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन और वो सारी पोजिशन पे दोनों ऑर्थो और, तो और एक पैरा पे अटैच हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो एनोलिन तो आपका प्रोडक्ट मिल जाता है ई तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट सजेस्ट ए रूट बाय विच फॉलोइंग कन्वर्शन कैन बी अंपनीस हमें दिखा दिया हुआ है साइक्लोहेक्साइल अमाइड साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है इसके साथ सीओ एनएसटो ग्रुप है और हमें इसको बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथेन अमाइंड में ठीक है अब सबसे पहले साइक्लोहेक्साइल अमाइड दिया हुआ है इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है अगर आप देखो इसमें क्या हो रहा है सी के साथ जो एक कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि सी ओ ग्रुप हम क्या कर ले रिमूव कर ले और इसके लिए हमारी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अगर आप ब्रोमेन के साथ के के साथ रिएक्ट करते हो अमाइड ग्रुप को तो याद रखना सीओ ग्रुप क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साइल अमाइट एन अब हम हमें क्या चाहिए इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे कार्बन अटैच करना है तो हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन आ जाए तो हम यूज करते हैं कार्बन अमाइन रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं के साथ रिएक्ट करते हैं एज रिजल्ट हमारा बन जाता है साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड और कार्बन अमाइन एनसी बन जाता है ठीक है एनसी बन गया अब यहाँ पे कार्बन आ गया अब हम क्या कर सकते हैं इसके रिडक्शन कर सकते हैं आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो यहाँ पे हमने यूज किया हाइड्रोजन इन पेस ऑफ प्लेटिनम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अमाइन तो कभी भी प्राइमरी अमाइन को अगर आपको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कार्बन अमाइन रिएक्शन कर सकते हो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो रिडक्शन कर सकते हो नेक्स्ट अब बात करें क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सेकेंड पार्ट अरेंज द फॉलोइंग इन द दीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमें दो रिएक्शन दिया ए एंड बी पार्ट है इसका सी टू एच फाइव एन एच टू सी टू एच फाइव टूस एन एस सी टू एच फाइव थ्राइज एन तो दिया हमें इथाइल ग्रुप दिया हुआ है यह हमारा प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है सेकेंडरी और ये टर्सरी और साथ में दिया हुआ है अनली. तो बेसिक करेक्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक करेक्टर क्या होता है कि कोई स्पीशीज कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो अगर हम बात करेंगे सपोज टर्सरी की इसके साथ क्या है थ्री इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर हम प्लस आई फेट की बात, बात करें जो जो हमारा इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो टर्सरी क्या हो जाएगा ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ देन सेकेंडरी क्योंकि दो ग्रुप है और प्राइमरी में एक अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये जो स्पीशीज है वो क्या करती है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है जो बेस होती है वो क्या कर सकती है प्रोटॉन सपोज प्राइमरी ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ये बन जाएगा एन एच थ्री पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन ही बन गया एन एच टू पॉजिटिव और टर्स ने किया बन गया एन एच पॉजिटिव और अगर आपने इनको एक्वा सोल्यूशन में ले लिया तो क्या होगा क्योंकि इसका है एनएच थ्री पॉजिटिव इसमें तीन हाइड्रोजन है एक्वा सोल्यूशन में ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा प्राइमरी सेकेंडरी बना देगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड और टर्सरी बना लेगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक्वा सोल्यूशन में याद रखना कि जो अमाइंस होती है वो क्या बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी तो हम इसे एक्वा सोल्यूशन ही मानेंगे ठीक है तो प्राइमरी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी में उसके कम टर्शी में उसके कम तो अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन सेकेंडरीश्री और लास्ट बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस तो जैसे जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप क्या होता है बड़ा होता जाता है सपोज मिथाइल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजी है बट जैसे आपने उसको इथाइल में ले आए इथाइल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ स्टेरिंग जो ये ग्रुप है अरे ग्रुप बड़ा हो जाए कार्बन का तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है वीक होती है तो ये तीन इफेक्ट आपने देखने हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें दिया हुआ ठीक है, अनेलीन. अनेलीन क्या होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव कर जाते हैं इसमें क्या हो जाती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट इट तो इज लीस्ट बेसिक अगर हम इन

तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई है ज्यादा हो गई है स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है वीक तो इसमें क्या हो जाता है जब इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्लस आई इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो टर्चरी का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी तो हमारा टर्चरी माइंड क्या हो जाता है मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी

इसके बाद आता है बेंजाइल बेंजाइल अमाइन। अमाइन में इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर मूव नहीं करते क्योंकि ये सेपरेट है बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है बट स्टिल ये जो हमारा ग्रुप होता है अराइल ग्रुप ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब भी थोड़ी सी क्या कर लेता है कम कर लेता है उसके बाद हम अगेन हम आ जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड अमाइन में क्योंकि सेकेंडरी दोनों के बीच में आता है दोनों उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है प्लस आई इफेक्ट भी है तो सेकेंडरी का सबसे ज्यादा क्या होगा बेसिक करेक्टर होगा जब हमारे पास मिथाइल है या इथाइल है अब क्या हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे अब याद रखना क्योंकि इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं होती मिथाइल ग्रुप में तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट ठीक है क्योंकि स्टेरिक इंडेस कम है तो प्लस प्लस एच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट बिकम स्ट्रॉगर देन द प्लस आई इफेक्ट एज ए रिजल्ट क्या होता है जो प्राइमरी है वो ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू टर्सरी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन है हमारा ए हाइड्रोकार्बन ए सी फोर एच एट ऑन रिएक्शन विद एच सेल गिव ए कंपाउंड बी

हमें काफी सारी रिएक्शन दी हुई है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हम क्या बता सकते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ ए गिव्स टू मोल्स ऑफ हमें अगर ए फाइंड करना है अगर आपको सारी सीक्वेंस फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको ए और पता होना चाहिए तो हमें नीचे क्या दिया हुआ है कि अगर आपने ए की ओजोनोलिसिस की तो आपका बन जाता है एस्टेल तो ये दोनों क्या है एस्टेल और इथनल ठीक है अब याद रखना ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि अगर आपको रिवर्स में रिएक्शन करना है तो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ के जो डबल बॉन्ड है इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया सपोज इनको ब्रेक कर दो और कार्बन कार्बन को आप अटैच कर दो विद डबल बॉन्ड आपको इनिशियल प्रोडक्ट मिल जाता है ठीक है तो अगर आपने कार्बन कार्बन को जोड़ दिया और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को रिमूव कर दिया तो आपका बन जाता है ब्यूट टू इन ब्यू टू इन की अगर आप क्या करो ओजोनोलिसिस ओजोन इन प्लेस ऑफ जेडन ओ एंड वाटर तो याद रखना ये बॉन्ड ब्रेक होकर इनके साथ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ अटैच हो जाता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेल डिहाइड ठीक है तो दोनों को आपने जोड़ के ब्यूट इन बना लिया तो तो बन गया हमारा ठीक है ब्यू टू इन में के सिमेट्रिकल है में तो ये आप कहीं पे भी और कहीं पे पे भी भी और कर सकते हो तो आपने एक जगह एच और एक तरफ सी कर दिया रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन है टू क्लोरोन है। ये पे chloro, आपने इसके साथ रिएक्ट किया है इसे वन मोल ऑफ एन अब अमोनिया क्या करता है? है इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इस पर अटैक करता है सो so अपना एक हाइड्रोजन और ये क्लोरिन को रिमूव कर देता है एच रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमारा एनएच ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये आ जाता है टू अमाइनो ब्यूटेन टू अमा ब्यूटेन आ गया और इसके बाद आपने रिएट किया एनएटूचसी के साथ एनए प्लस एच सी एल याद हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो अनस्टेबल होता है और अगर आप जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो ये पे दे देता है हमें एल्कोहल तो एन एच टू के साथ क्या हो जाता है एल्कोहल जब आपके पास क्या है एलकाइल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है प्राइमरी अमाइन है तो आपका बन जाता है एल्कोहल साथ में नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होती है अगर हम देखेंगे विद वॉटर इज द टाइप ऑफ एल्कोहल विच इज फॉर्म तो इस कार्बन को अगर आप देखो इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन सी एस थ्री ओ एच एन सी एच थ्री सी एस टू ग्रुप प्रेजेंट है so so ये हमारा क्या हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल विच इज ब्यूटेन टू ऑफ तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आई होप आपको अमाइंस के सारे क्वेश्चन समझ आए हो सिमिलरली क्वेश्चंस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख सकते हो और मैंने इस चैप्टर्स के नोट्स भी डाले हुए हैं आप डिस्क्रिप्शन से वो भी देख सकते हो सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय